वेलकम टू माई कैन मस्ट लाइव ड्रॉस। उम्मीद कर रही हूँ आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास में जो आपको स्टिल लाइफ की चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई भी हमारी यूज़ की चीज़ आ जाती है, जैसे प्लेट कप बोल देते हैं, मटका बोल देते हैं, सुराही बोल देते हैं, तो आज की क्लास में हम सुराही और मटके दोनों एक साथ बनाएंगे। दोनों सेम होते हैं और बहुत ईजीली बन जाते हैं। तो आपका ये पेंसिल वर्क जो होता है, इसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में बनाना होता है, क्योंकि आपके बाकी आलेखन होते हैं और भी एक चीज़ आती है, और इसके अलावा आपका पेपर भी होता है। तो इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और इजी ट्रिक स्केचिंग के बारे में पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इसे 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लें और बाकी का टाइम अपने कलर करने में यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले पेंसिल और राउंडर की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि एक में मैंने मटका बनाना है, दूसरे में सुराही बनाना है। तो मटका जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसके बहुत ही पास से इसका जो मुंह बनाते हैं वो गोले के पास में बनाना है। ज़्यादा दूर नहीं करना है, ऊपर नहीं करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, और बस उसी से ऐसे करके बस थोड़ा सा इसका मैच कर देना है गोले से, और बस ये आपका मटका बन के तैयार हो जाएगा। अब जितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे इरेजर से इरेज कर लेंगे। इसके बाद में इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेंगे। अब डिज़ाइन बनाओगे तो थोड़ा शो इसकी बढ़ जाती है। डिज़ाइन जो आपको पसंद हो, छोटी मोटी, आप एक बड़ा सा फ्लावर बनाना चाहते हैं, पत्तियाँ बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हो वो इजीली इस पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद में हम इसमें शेडिंग करेंगे। मेरे पास में तो बहुत सारे शेडिंग के टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप लोगों को आर्टिस्ट बनना है तो आप ये बाय कर सकते हो, इतने कॉस्टली होते हैं। बट अगर नहीं तो आप उसके लिए परेशान ना हो, एयरबड्स आप लेके जाएं, या फिर वो भी नहीं आप लेके गए हैं तो आप न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर होगा उससे छोटा सा फोल्ड करेंगे, और जो शेडिंग की हम ब्लेंडिंग करनी होगी वो हम उस पेपर से ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने फूल बनाए हैं छोटे छोटे से, पूरे इसे भर दिया। उसके बाद में हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग में हम एक साइड से शेडिंग करेंगे, दोनों साइड से बिल्कुल पूरा नहीं भर देंगे किसी में कि काला काला पूरा हो जाएगा। एक साइड से करेंगे और ऐसा शो करेंगे दूसरी साइड से लाइट पड़ रही है इस पर, इसीलिए एक साइड का थोड़ा सा डार्क है। तो यहाँ मैं राइट साइड में कर रही हूँ, आप अगर लेफ्ट साइड में करना चाहें तो लेफ्ट साइड में कर लें। मैंने ये थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा लिया है जिससे मैंने इसे ब्लेंड कर दिया, ये हल्का हल्का ब्लेंड हो गया है। एयरबड से इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो आप एयरबड अपने साथ में लिए जाएं। इसके बाद में हम नीचे थोड़ा सा शेडो बना देंगे कि मटका रखा हुआ है तो ये शेडो पड़ रही है इस पर, ऐसा थोड़ा सा पता चलेगा। अगर आप बनाना चाहें तो ये जिसके ऊपर हम मटका रखते हैं वो आपने देखा होगा कपड़े का होता है मोस्टली बना हुआ, या फिर पुराने ज़माने में जूट का बना हुआ होता था, तो उसे हम छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे। और ये दूसरे सर्कल में मैं सुराही बनाऊंगी। मटके का यूज़ तो मुझे पता है हम किस लिए यूज़ करते हैं, पर सुराही का यूज़ मुझे आज तक नहीं पता चला। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि हम सुराही का यूज़ कहाँ करते हैं तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने इसका स्टैंड बना दिया थोड़ा सा, ये देखिए ये मटका इजीली मैंने बहुत ही आराम आराम से आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है, तो इसे पूरा बनाने में कम्प्लीटली 5 मिनट्स लगे हैं। और अगर आपको सीखना नहीं है, मैं अगर नॉर्मल बना रही होती तो ये 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाता। ये सुराही के लिए हमने जहाँ से बीच में से जो सर्कल हमने करना शुरू करा था उसमें आप देखोगे थोड़ा सा छेद रह गया होगा बीच में, तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे, और ये लाइन आप उतनी खींचिएगा कि जितने आपके ये इस उसके जहाँ से आपने पॉइंट किया था सर्कल बनाने के लिए उतना सर्कल तक थी। ज़्यादा बड़ी मत करिएगा, आप कन्फ्यूज़ होंगे कितनी बड़ी लाइन बनानी है, और उसके पास में 2 छोटी छोटी और वैसी ही सेम लाइन हम बना लेंगे और उसमें हम उसका मुंह बनाएंगे ऊपर की तरफ। बस ऊपर की साइड में हमें उसका मुंह बना देना है जिस तरीके से हमने मटके का बनाया था, और बाकी पूरे मुंह इतने लंबे उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में सर्कल से इसे जोड़ना है। तो सर्कल से बहुत आराम से हम जोड़ लेंगे और इसमें भी डिज़ाइन बना लेंगे। बाकी सेम वैसे ही आप कर सकते हैं जैसे आपने मटके में किया था, जो भी डिज़ाइन बनानी है आप उस तरीके से डिज़ाइन बना लें। और शेडिंग का आप ध्यान रखें, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि शेडिंग करने के लिए इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, तो हम लोगों को शेडिंग जो सिखाई जाती थी वो सिखाई जाती थी कि बहुत ही जो बेसिक होता है शेडिंग का, कि जब आप जहाँ पे डार्क दिखा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
डार्क कर लो। तो पेंसिल को हम लोग बहुत ही वहाँ ब्लैक रब करते थे जिससे कि वो बिल्कुल ही डार्क हो जाए। फिर उससे जब आगे के लिए शेडिंग स्टार्ट करते थे तो वहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की सी करते जाते थे जिससे कि लास्ट में पहुँचते पहुँचते वो शेडिंग हल्की हो जाती थी। तो अगर आप इस ट्रिक से करना चाहें तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाऊंगी इसमें सुराही में शेडिंग, लेकिन इसके बाद में आप ब्लेंडिंग करना चाहें तो ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लेके ज़रूर जाइएगा एयरबड, क्योंकि इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप इस ट्रिक से शेडिंग कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आगे भी अगर आप लोग ये चाहेंगे तो मैं ये पूरी आपकी क्लासेस 10th 12th की कोर्स के रूप में पूरी इसमें चैनल पे डाल दूंगी। अभी आपके एग्ज़ाम है तो जो मेनली जो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है मैं बस वही बनवा रही हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ये मैं उसी ट्रिक से आपको शेडिंग करके दिखा रही हूँ कि लास्ट में हम बिल्कुल डार्क करते हैं और फिर धीरे धीरे ये हल्का करते जाते हैं। तो हमारी मटके सुराही दोनों बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अगर आपको नाइफ पेंटिंग या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पसंद है तो भी वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और आपकी स्केचिंग से ही रिलेटेड कुछ बनाएंगे या फिर कोई आलेखन बनाएंगे। तो ड्राइंग करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, आपके पास में टाइम कम है और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और इतना टाइम में आप अच्छे से बनाना सीख सकते हैं क्योंकि आर्ट में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इस पूरी ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने अप्सरा की पेंसिल का यूज़ किया है जिसका नंबर 2B है। आप 2B या HB की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अगर आप 1 पेंसिल में ये सारा वर्क करना चाहते हैं। अगर आपको डार्क शेडिंग के लिए कोई पेंसिल चाहिए तो आप 4B 8B जितना ज़्यादा डार्क में चाहिए आप उतना जा सकते हैं। तो अगर एक डार्क शेड के लिए आप पेंसिल लेंगे तो आप 6B की ले सकते हैं और HB की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम फिर से कुछ नया सीखेंगे।